Assalamualaikum awam, welcome back to IT Chamber. Yes, हमारी web development series चल रही थी जिसका यह तीसरा lecture है. Yes, किसी मशहूर इंसान Bill Gates ने कहा था, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. ठीक है, इसका basically मतलब यह है कि web development आज की दुनिया में कितनी importance रखती है. और इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम आज की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो पहनो ते पर किस चीज का वेट करन दे हो, छेती एक्सेस करो. कब सीखनी है वेब डेवलपमेंट है तो अभी सीखो और इसको एक्सेस कर लो. और अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगी, वहां से एक्सेस कर लेना. ठीक है, चले बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एमएच एब्रीविएशन को पढ़ा, हमने बॉयलर प्लेट ऑफ एचटीएमएल को पढ़ा और कमेंट पढ़ा. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई तो आप लोगों को पता है आप बगैर किसी टेंशन के बगैर किसी झिझक के मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम जीमेल और कोई भी कमेंट कर सकते हैं. मैं आप लोगों की क्वेरीज क्लियर करने के लिए यहीं पर ही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हमने जो आज पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एलिमेंट एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज. राइट, तो आगे पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये तीन जो टर्म्स हैं आपको क्लियर हो जाए ताकि हमें आगे प्रोग्रामिंग करने में मसला ना आए, हमारी सीधी प्रोग्रामिंग हो. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर मैं W3 Schools की वेबसाइट पे आई हूँ. ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ लिखी हुई हैं, ये अवेलेबल होती हैं, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ इस चीज को. तो HTML एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग. तो बेसिकली अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर टैग नेम आता होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग टैग आता होता है. ठीक है, और यहाँ पर कंटेंट जो अंदर हमने दिखाना होता है, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सब कुछ इसके अंदर आता होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एंडिंग टैग आता होता है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप टैग का नाम लगाते हो तो वो उसका एंडिंग टैग बन जाता है. और फिर हम इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को. ये आपका स्टार्टिंग टैग है, एंडिंग टैग है और कंटेंट है. इन तीनों को मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, कोई एक भी निकल जाएगा तो वो चीज एक एलिमेंट नहीं रहती होती. राइट, तो एक एलिमेंट होने के लिए उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग का होना जरूरी है, और अंदर एलिमेंट का होना जरूरी है, कंटेंट का होना जरूरी है. सॉरी, उसकी एग्जांपल्स यहाँ पर डिफरेंट टैग है. फॉर एग्जांपल, ये H1 एक हेडिंग टैग है और ये P पैराग्राफ टैग है. अभी हमने इसे पढ़ा नहीं है बिकॉज हमने अभी ब्रीफली बॉडी के अंदर नहीं किया, जब हम जाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा. लेकिन मैं आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्लियर कर दिया है कि बेसिकली एक एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक एलिमेंट क्या होता है. ठीक है, तो एलिमेंट को एक बार दोबारा क्लियर करती जाऊं. एलिमेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, स्टार्टिंग टैग, कॉन्टेंट एंड एंडिंग टैग, और उसके बाद ही वो चीज एक एलिमेंट बनती है. जब मैं कोई एलिमेंट बोलूंगी कि एलिमेंट यहाँ नहीं है तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग की बात नहीं करी, मैं उसके स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग, मैं तीनों को इंक्लूड करके, इन तीनों को इंक्लूड करके फिर एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ. ठीक है, चले थैंक यू सो मच. हमारा यहाँ तक एलिमेंट्स क्लियर हो चुके हैं. अगर आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी तो हम अपने एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं. तो HTML attributes basically क्या होते हैं? HTML attributes provide additional information about HTML elements. वो उसके बारे में additional information provide करते हैं. ठीक है, अब मतलब हम basically कह सकते हैं कि मतलब उसका मतलब उसको brief उसकी information देते हैं कि ये एक tag है. ठीक है, तो इसकी अगर हम ये tag या ये content है तो for example ये ज्यादा अच्छे तरीके से, for example अगर हम style में जाएं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, यहाँ हम गए, हमने न्यू फाइल खोली, इसका नाम हम Lecture 3 रख लेते हैं, Lecture 3.html, क्योंकि एक्सटेंशन है ये नहीं भूलनी. ठीक है, हमने लिखा एक्सप्लेनेशन बट एब्रीविएशन, क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है,
यहां पर अगर मैं यहां पर पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करती हूं, इस एग्जांपल मैंने लिखा दिस इज माय पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने यहां गो लाइव पे क्लिक किया, राइट। अभी हमारे पास गो लाइव पे हमारे पास ये चीज आ गई है, दिस इज, ये बॉडी है, तो जो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो यहाँ पे अपेयर हो रहा है, फाइन। तो अगर मैं यहां पर जाकर, ये हमारे पास ये पूरा एक एलिमेंट आ चुका है, राइट, हमने इसको पढ़ लिया तो ये एक एलिमेंट आ गया। लेकिन अब हमने कहा था कि जो एट्रीब्यूट बेसिकली होता है वो एलिमेंट की अंदर और उसके इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसे खोलें तो हमें, अब हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो, या हम इसको कहें कि इसकी फॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे और हम यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या हुआ, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। स्टाइल क्या है हमारे पास, इसका एट्रीब्यूट, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम यहां लिखते हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, हम कहते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमें कितना चाहिए, हम लिख देते हैं 30, राइट। हमने इसको सेव किया और जैसे जाके हमने इसको खोला, पी एक्स, सॉरी मैंने पी एक्स नहीं लिखा था, सेव। तो मैंने इसको खोला, ये देखिए इसका साइज बड़ा हो चुका है, फाइन। तो ये थे हमारे पास एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स सिर्फ ये नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एट्रीब्यूट क्लियर किया है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ स्टाइल की एग्जाम्पल दी गई हुई है W3 स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल को एक एट्रीब्यूट कहा गया, राइट। स्टाइल इज एन एट्रीब्यूट जो ऐड करता है कलर, फॉन्ट साइज एंड मच मोर। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ मैंने आपको VS Code के अंदर करके भी दिखाया, फॉन्ट साइज अगर मैं 30px किया तो उसका हमने, तो उसने हमको ये दिखा दिया, फाइन। अब यहां पर हम हमने एलिमेंट्स को भी क्लियर कर लिया, हमने एट्रीब्यूट को भी क्लियर कर दिया। लेकिन यहां पर एक चीज है कि लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दो सिनोनिमस लगते हैं लेकिन HTML में डिफरेंट है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो दोनों सेम नहीं है। इनको मैं आपको अच्छी तरह क्लियर करूंगी। यहाँ पर हम आ रहे हैं W3 स्कूल की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर पेज लिखा कि यहाँ पे स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। प्रॉपर्टी, फिर उसके स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी, और फिर उसकी वैल्यू आती होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो स्टाइल हमारे पास है ये एट्रीब्यूट है, फाइन। फिर इसके अंदर जो ये चीज आई है ये प्रॉपर्टी है, ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, फाइन। जब भी हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं यहां पर, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, तो हमारे पास टैग नेम आया, हमारे पास टैग नेम, हमने पैराग्राफ चूज किया था, हमारे पास जो एट्रीब्यूट था वो हमारे पास था स्टाइल, और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी थी हमारे पास फॉन्ट साइज, और फिर उसकी वैल्यू हमने 30px की हुई थी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया होगा इस चीज को, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अपने VS Code में वापस चलते हैं। अगर हम इसकी और डिफरेंट एग्जांपल्स लेना चाहें, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वैरायटी आती होती है, बिकॉज हम सिर्फ फॉन्ट नहीं कर सकते, हम विड्थ भी कर सकते हैं, हम बॉर्डर्स भी लगा सकते होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को ये तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एलिमेंट क्या होता है, ये पूरा की पूरी चीज, हमारा स्टार्टिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग। एट्रीब्यूट क्या है, उसको हमारे एलिमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसे मजीद डिफाइन करती है, मतलब ये प्रॉपर्टी है उसकी एक, ठीक है, और इसकी ये वैल्यू है, प्रॉपर्टी सेमीकॉलन, और फिर आगे हमारे पास उसकी वैल्यू आती होती है, ठीक है। और उसकी मैंने अपने लिहाज से बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने ये दे दी है, ठीक है। W3 स्कूल इज अ रियली रियली गुड वेबसाइट फॉर लर्निंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेजेस,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, ठीक है, डिफरेंट जावा, जेक्वेरी आप लोगों को ये मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर मुझ मेरी कुछ मसला हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड लर्न मोर। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं, आपको डिफरेंट और एग्जांपल्स ब्रीफली एक्सप्लेन किया। मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन अभी नहीं किया बिकॉज मेरा यह था कि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ इस चीज को मैं एलिमेंट बोलूं, आप इस चीज को एलिमेंट समझ लो, आप इस सिंपल पड़े वेट आप समझ लो कि ये मैंने टैग को आप सिर्फ इसको एलिमेंट समझ लो, तो ये एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको उसको ब्रीफली इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज एक बहुत लंबा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, मैं इसे आगे जाके पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ तीन टर्म्स क्लियर किए ताकि जब मैं इनको आगे यूज करूँ तो आप लोगों को क्लियर हो कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज हमने सिर्फ ये थोड़ी तरह रट्टा सीख लिया, हमने इसको अच्छी तरह लॉजिक्स के साथ सीखना है, ठीक है। आई होप मुझे आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया यू नो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी विदाउट एनी टेंशन, राइट। आप मुझे किसी भी टेंशन के बगैर, आप किसी भी झिझक के बगैर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा आज का कॉन्टेंट ही यही था कि हमने पहले एलिमेंट्स को पूरे को डिस्कस किया, फिर हमने उसके एट्रीब्यूट और भी होते हैं, सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर किया, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू को हमने डिस्कस किया, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो में आपने कुछ ना कुछ इलम जरूर हासिल किया होगा।